बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस सता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़ीमत टीवी। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की वीडियो सिलसिला सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 21 नंबर 12 है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी। मौजूद नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब 545 ईस्वी में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम फातिमा बिनते अमर था। आप दीन हनीफ दीन इब्राहिमी पर कायम थे और उनकी बुतप्रस्ती और किसी भी इखलाक की बुराई में आप मुलविस न थे, जो उन दिनों में अरब में आम थी। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर उनके 10 बेटे पैदा हुए और वह सब के सब नौजवानी की उम्र को पहुँच गए तो अपना एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इस वाक़े की तफसील पिछली अक्सात में गुजर चुकी है, लिहाजा इससे आगे के वाक़ात की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला जब कुर्बानी से बच निकले तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी शादी का सोचा। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद और दादा की तरह नहायत ही हसीनो जमील और वजी इंसान थे। मक्का के कई शरीफ जातियाँ उनसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा बनने की सआदत हज़रत आमिना बिनते वहब की किस्मत में लिखी थी। नाज़रीन, उन शरीफ जातियों की इस ख्वाहिश के पीछे सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला की ज़ाहिरी शख्सियत ही वजह ना थी, बल्कि उसके वजह असल वजह नूर नबूवत था, जो उनकी पेशानी में चांद की तरह चमकता था। उन नूरतों में एक औरत हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा की चचा की बेटी और मशहूर वरका बिन नौफल की बहन उम्मे कताल थी। उनके भाई वरका बिन नौफल अंजीर और साबका साहिब आसमानी के उलूम के माहिर थे और उनकी वजह से उम्मे कताल जानती थी कि हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकने वाला नूर नूर नबूवत है, और इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि ये नूर उनके बतन से जन्म ले। दूसरी औरत एक काहिना फातिमा बिनते मुरल खस अमिया थी, जिन्होंने अपनी रूहानी इस्तेदाद से जान लिया था कि हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर दमकता है वो नूर नबूवत है, इसलिए ये भी हज़रत अब्दुल्ला से शादी की ख्वाहिश मंद थी। ताहम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की नज़र इंतखाब हज़रत आमिना पर जाकर रुकी, जो कबीला ज़हरा की सरदार वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब की बेटी थी और कुरैश के तमाम खानदानों में अपनी पाकिजगी और नेक फितरत के लिहाज से मुमताज थी। उस वक्त वो अपने चचा वहैब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा के पास मुकीम थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहैब के पास गए और हज़रत अब्दुल्ला के लिए हज़रत आमिना का रिश्ता मांगा, जिसे कबूल कर लिया गया और यूं हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इस मौके पर खुद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी एक काहिन के कहने पर वहैब बिन अब्द मनाफ की बेटी हाला से शादी कर ली, जिनसे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जरी शेर पैदा हुए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के साथ साथ माँ के रिश्ते से खालाजात भाई भी थे, क्योंकि जनाब हाला और हज़रत आमिना आपस में चचा जात बहनें भी थीं। दूसरी तरफ जब इस शादी का इलम उम्मे कताल और फातिमा बिनते मरल खस अमिया को हुआ तो वो बेहद रंजीदा हुई और इस सआदत को हासिल करने में नाकामी पर रो पड़ी। उनका रोना वाकई में हक बजानिब था कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा होने का एजाज सारी दुनिया की कीमत से बढ़कर था, और यह एजाज अल्लाह ने हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नसीब में लिख दिया था। नाज़रीन, इससे आगे किस नंबर 13 में बयान किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप सिलसिला सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अक़सात भी देखना चाहते हैं और अपने इलम में इजाफा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विजिट करें और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको ओपन करें और बाकी अक़सात भी मुलाहिज़ा फरमाएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे।